जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं यहाँ प्राइड थिएटर के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा हो चुकी है। लोग अपने चहेते हीरो राणा के 100वें शो के टिकट्स खरीदने के लिए यहाँ पर एक दिन पहले से ही मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, कल प्राइड थिएटर का सबसे कामयाब नाटक ये अजीब जिंदगी का 100वां शो है, जिसमें मशहूर अभिनेता राणा एक अलग ही किरदार में नजर आते हैं। राणा सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि वो एक जादूगर भी हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। राणा एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका नाटक ये अजीब जिंदगी अब तक 100वां शो पूरा कर चुका है। कल इतिहास के पन्नों पर राणा का नाम लिखा जाएगा। राणा इस जगत के बेताज बादशाह माने जाते हैं। राणा एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो सिर्फ इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इतनी कम उम्र में इतना मान सम्मान शायद ही किसी सुपरस्टार को मिला होगा। राणा वो एक्टर है जिसका कामयाब शो ये अजीब जिंदगी कल अपना 100वां शो पूरा करने जा रहा है। एक ही नाम राणा राणा राणा, कोई नाम नहीं मीडिया वालों के पास दूसरा। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। पिक अप द फोन। Pick up the phone. एक बार कहा नहीं मतलब नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मेरे टुकड़ों में पलते हो और मुझसे जवान लड़ाते हो तुम। लगता तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, वहीं आके समझाना पड़ेगा क्या? देखो सुबह सुबह फोन मत किया करो मुझे। हेलो, अपने उस पति को बोल फोन उठाए वरना मैं अभी तेरे घर आ जाऊंगा। देखो अमर, शांत हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। ना तुम्हें पैसा मिलेगा ना ही कोई छुट्टी, समझ रहे हो ना? डार्लिंग, इस तरह से गुस्सा नहीं होते, आपका बीपी हाई हो जाएगा, ये लीजिए। रामू, रामू कहाँ मर गया ये? डार्लिंग, रामू बाजार गया है, मैं देखती हूँ, रिलैक्स। आ रही हूँ। सेठ जी, सेठ जी, क्या सेठ जी, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? क्या मुझे छोड़ के उस बकवास एक्टर राणा भी इतने मेहरबान है? अरे आखिर मैं राणा से बड़ा स्टार हूं। स्टार हूं नहीं, स्टार था ये कहो। आजकल राणा का दौर है और उसे मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया ये तो तुम्हें मालूम है ना? हाँ, मुझे पता है कल उसका 100वां शो है। सेठ जी, सेठ जी, मुझे भी वहां पहुंचा दीजिए ना, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, इससे ज्यादा मैं सह नहीं पाऊंगा। सेठ जी, सेठ जी प्लीज, मुझे एक बार फिर से स्टार्ट बना दीजिए प्लीज। अरे अमर, ये क्या कर रहे हो? उठो उठो। अच्छा ठीक है, कल तुम शो पर आ जाना थिएटर में, मैं तुम्हें नए तरीके से लॉन्च करूंगा। सच सेठ जी? लेकिन 3 घंटे पहले पहुंच जाना। अरे सेठ जी, 3 नहीं 4 घंटे पहले हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सेठ जी।
थैंक यू। डार्लिंग, कल तो राणा का सौवा शो है, तो फिर आप अमर को कैसे लॉन्च करोगे? रीटा, जौहरी को असली हीरे की पहचान होती है। अमर वो हीरा है, उसके अंदर हुनर है। कल उसकी शो में एक नई एंट्री करवाऊंगा। अगर दर्शकों को पसंद आ गई तो उसे रख लूंगा। और वैसे भी राणा आजकल बहुत उड़ रहा है। डार्लिंग, आपका दिल कितना बड़ा है। राणा, आज तो तू गया, क्योंकि आज मैं हर तरफ छा जाऊंगा। लोग पागलों की तरह चिल्लाएंगे, अमर वंस मोर, अमर वंस मोर, यस, टाइम टू शो अमर। कमन 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 कमन। यस, माय वॉलेट, यस। राणा, आज सबको पता चल जाएगा कि कौन है असली स्टार, कौन है टैलेंटेड। मुझे चक्कर से क्यों आ रहे हैं? अरे पसीना, इतना पसीना क्यों आ रहा है मुझे? ये हो क्या रहा है? कुछ हो क्या रहा है? डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। हेलो हेलो, डॉक्टर, डॉक्टर। सब देखो, काम काम काम, डॉक्टर साहब की चिक चिक, मरीज की दवाई, ये वो। यही एक जगह है जहां मैं सुकून से गाने सुन सकता हूँ। क्या बदतमीजी है ये? आ गया, ये देख लूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। इधर से ही आया था। मर साहब, कैसा बदतमीज दोस्त आपका, इतनी जोर से थप्पड़ मारा। मर साहब, मर साहब, आप बोलते क्यों नहीं कुछ? मर साहब, मर साहब, सर, ये तो मशहूर थिएटर आर्टिस्ट अमर है। सर, भला इसे कोई क्यों मारेगा, वो भी हॉस्पिटल में। गला घोट के मारा गया। अब सर, ये आपका पेशेंट है, आपने इसे ऐसे बिना अटेंडेंट के यहाँ पे छोड़ दिया अकेले। आई एम सॉरी सर, लेकिन अमर को यहाँ फूड पॉइजनिंग के इलाज के लिए लाया गया था और इनकी तबीयत ठीक हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे अकेला छोड़ दो। अब ये बताओ कि यहाँ पे किसी को देखा था आप लोगों ने? कोई आया था अमर से मिलने के लिए? हाँ सर, मैंने देखा था, वो फायर एग्जिट के पास से वो बंदा गया। वो सर बहुत ही बदतमीज आदमी था। उसका चेहरा तो याद होगा तुम्हें? उस सरफिरे इंसान की मैं शक्ल कैसे भूल सकता हूँ। सर, स्केच। अरे, ये तो मनोहर है, ब्राइट थिएटर का मालिक। सर, जिस दिन ये बददिमाग आदमी आपके हाथ में आ गया ना, मेरी तरफ से भी खूब धोना इसको। सर, ये मनोहर तो बड़ा पहुंचा हुआ निकला। इस मनोहर को बिना बताए पूछताछ के लिए ले जाना होगा, वरना ये हाथ नहीं आएगा। लेकिन वो कैसे सर? ये प्राइड थिएटर में कौन सा नाटक चल रहा है, नाम क्या है? ये अजीब जिंदगी। क्या मतलब? नाटक का नाम है। सर, उस नाटक का तो आज सौवा शो है। शो कितने बजे? 6 बजे। और खत्म होता है? 8 बजे। शो देखने जाना? नहीं, वहां पहरा देना है। चलो।
डार्लिंग, देखा हमारे यहाँ की सिक्योरिटी कितनी सख्त है। लेकिन डार्लिंग, हम तो यहाँ के मालिक हैं ना। तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है, हमें अपनी तलाशी देनी चाहिए। डार्लिंग, लेकिन आप यहाँ के मालिक हो, मैं आपकी वाइफ, तो मैं यहाँ की मालकिन हुई, और अगर मेरी चेकिंग सबके सामने हुई तो वो मेरी इंसल्ट होगी, एंड आई विल बी वेरी अपसेट। ओके, आओ डार्लिंग। एक्सक्यूज मी सर, आप बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा सकते, आप जरा इधर आएंगे प्लीज। मैडम आप भी, तुम जानते नहीं हम इस थिएटर के मालिक हैं। नहीं आए हो क्या? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, सॉरी मैडम। अच्छा सुन, मेरा खड़ूस सेठ आ गया, मैं रखती हूँ ना। सर, 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 सर। धन्यवाद हमारे जो आप पधारे। नूरी, नूरी, यहाँ। सर, ये आपको आपकी सीट तक ले जाएगी, पूरा फ्रंट रो मैंने आपके लिए बुक किया है, ठीक वैसे जैसे आपको चाहिए था, भाई खास इंसान के लिए खास सीट। सर, आपकी इजाजत हो मैं बैकस्टेज जाऊं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, एंजॉय द शो सर। आइए सर, आइए मैम। तुम कौन होती हो हमें सीट पे ले जाने वाली? हम इस थिएटर के मालिक हैं, मुझे मालूम है एक एक सीट कैसे लगी है और कहाँ बैठना है। ए, रुको तुम। वेलकम मैम, वेलकम सर। हेलो सर, हेलो मैम, आइए मैं आपको आपकी सीट तक लेके चलती हूँ, आइए सर। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। डार्लिंग, आने दो ना इसे। आइए सर। आओ। यहाँ बैठो। देखा, आगे वाली पूरी रो में मैं और सिर्फ तुम। सर, मैम, आप लोग कुछ लेंगे, कुछ ठंडा, कुछ स्नैक्स वगैरह? थैंक यू सो मच, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद फूड कोर्ट से जाके ले लूंगी, एंड प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब अस। ओके मैम। दिल करता है इनका तो गला दबा दूं मैं। मेरा भी यही मन करता है। क्या खबर? मनोहर आ गया, अंदर है, नाटक देख रहा है, उसकी गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी है। ठीक है, नाटक खत्म होने का वेट करते हैं। सर क्यों ना मनोहर से अंदर जाकर पूछताछ करें। नहीं, अंदर नहीं। क्या ठीक कह रहा है, अंदर हंगामा मच जाएगा, जितने भी एंट्रेंस थिएटर पे सब पे नजर रखते हैं। सर मैं ऑडिटोरियम के अंदर जाकर नजर रखता हूँ, शो भी देख लूंगा और नजर भी रखूंगा। बात बात। जिसे पकड़ने आए थे उसे ही किसी ने मार दिया, और वो भी इतने लोगों के सामने। यहाँ पे सिर्फ एक ही कहाँ दिख रहा है, लगता है किसी तेज हथियार का इस्तेमाल किया गया है, चाकू जैसा। वार सामने से हुआ है। ये चलते नाटक में किसी ने हमला किया? ये देखिए, यहां से टूटी हुई घड़ी मिली है, आप में से कोई पहचानता है इस घड़ी को? ये मेरे हस्बैंड की वॉच। मैडम, मैडम संभालिए अपने आप को। तपाई हुई है यहां पे।
आप बैठी थी ना मनोहर जी के साथ प्ले देखने के लिए? जी मैं उनके पास बैठी थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। जब लाइट आई तो मैंने देखा कि आप इनके बगल में बैठी थी, तो आपने कुछ देखा या सुना तो होगा ना? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें अपने पति मनोहर को? सर आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड की मौत हुई है, मैं प्ले देखने में इतनी खो गई थी कि... वो क्या है ना सर, राणा सर इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि लोग उनकी एक्टिंग देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैनेजर साहब आप कहाँ थे जब ये खून हुआ? मैं यही था सर, बैकस्टेज। और इनके आसपास और कौन बैठा था? रीटा मैडम के अलावा और कोई नहीं बैठा था। मनोहर जी के लिए मैंने पूरी फ्रंट रो खाली करवाई थी, उन्हें इसी तरह की सीटिंग बहुत पसंद थी। कमाल है, पास में कोई भी नहीं था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये मैडम इनके बगल में बैठी थी मगर इन्होंने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, कैसे हो सकता है? चलो इनसे पूछ लेते हैं, शायद इनमें से कोई कुछ बता सके। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, देखिए हमारी तहकीकात चल रही है, प्लीज शांत हो जाइए। सर हमें क्यों रोक के रखा है, हमें जाने क्यों नहीं देते आप? देखिए खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी होगी। आप लोगों के सामने एक आदमी का खून हो गया है, अगर आप में से किसी ने कुछ देखा हो, कोई खास चीज, कोई ऐसी चीज जो अजीब लग रही हो जिसे हम खूनी तक पहुंच सके। नहीं सर कुछ नहीं देखा। कुछ तो सुना होगा, मनोज जी की चीखने की आवाजें या फिर कुछ और? नहीं सर कुछ नहीं। लगता है इन लोगों ने सोच लिया कि एक साथ ना बोलेंगे। ठीक है फिर आपको लंबे समय तक यहाँ रुकना पड़ेगा। सर मुझे कुछ बताना है। आप? सर मैं नूरी हूँ और ये नैना, हम थिएटर के अटेंडेंट्स हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली सेठ जी ने तो मुझे सीट तक ले जाने की भी इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन रीता मैम के समझाने पर नैना उन्हें लेकर गई थी। तो क्या देखा तुमने वहाँ, दोनों के बीच कोई झगड़ा या किसी बात को लेकर अनबन थी? नहीं सर कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उन दोनों ने मुझे वापस भेज दिया, और जब मैंने रीता मैम से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या ये रीता नाटक के दौरान बाहर गई थी क्या? पता नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं देखा। ठीक है तो स्टार से भी मिल लेते हैं। हाँ मिस्टर राणा, आप क्या बता सकते हैं, कैसे हुआ ये सब? मैं क्या बताऊं सर, मैं वहीं पर था लेकिन कुछ देख ही नहीं पाया। सब मेरी वजह से हुआ सर, मेरी वजह से उनकी जान गई, मैंने थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो आज मेरा सारा ध्यान अभिनय पर ही था सर। सौवे शो का जो प्रेशर होता है सर, वो सिर्फ मुझे ही पता था। सेठ जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो सबसे थी सर, सब उनसे जलते थे। आप कब से जानते थे सेठ जी? बरसों से सर, जब मैं पहली बार इस शहर में काम ढूंढने आया था तो इन्होंने ही मुझे काम दिया था, इन्होंने ही मुझे स्टार बनाया, और आज ये कौन है? सर ये नत्थू मेरा असिस्टेंट। तुम कहाँ थे? सर ये बैकस्टेज था, बेचारा बोल नहीं सकता। सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज खूनी को ढूंढ निकालिए। सर शो अगर वापस शुरू नहीं हुआ तो? शो तो नहीं शुरू होगा जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, थिएटर बंद रहेगा। मिल गया। मिला? गुड। क्या मिला तारिका जी? मनोहर के घाव के स्कैन में खून का सूखा हुआ बुलबुला ढूंढ रहे थे। सूखे हुए खून का बुलबुला? मैं कुछ समझा नहीं। खून का बुलबुला सुनने में कितना खतरनाक लगता है, नहीं? क्या हो गया ऐसे? ठीक है ना तू?
मैं समझाता भैया, ये घाव देख रहे हो उसका, ये किसी तेज छुरी से किया गया था, लेकिन इतनी बारीकी से किया गया है ये घाव कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना भारी घाव कभी देखा नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत तेजी से छुरी इसकी तरफ फेंकी, छुरी सीधी इसके सीने में घुसी और वहीं इसकी मौत हो गई, इंस्टेंट डेथ। लेकिन छुरी से इतना बारीक घाव कैसे बन सकता है सर, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने? मुमकिन है दया, अगर छुरी कुछ इस तरीके की हो। ठीक है सर, मान लिया कि इसकी मौत इस चाकू से हुई है, पर ये खून का बुलबुला, ये कुछ समझा नहीं, क्या चक्कर है? खून का बुलबुला मतलब एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म? सालों के साहब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा। देखो, अगर कोई चीज किसी की तरह बहुत तेजी से फेंकी जाएगी, इतनी तेजी से ये छुरी हवा को चीरती हुई इसके सीने में घुसी, और उस हवा को चीरने में ये हवा का एक बुलबुला भी इसके जख्म पे लेकर के गई, और वो हवा का बुलबुला कहलाता है एयर एम्बुलेंस। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि इनकी मौत एयर एम्बुलेंस की वजह से ही हुई? क्योंकि मनोहर के घाव में से हमें सूखे हुए खून का बुलबुला मिला है। मतलब ये किसी शातिर छुरेबाज का काम है? बिल्कुल। सालूम के साहब सीधे सीधे बोल देते कि ये काम किसी छुरेबाज का है, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? अगर नहीं बताता तो तुझे एयर एम्बुलिज्म का पता कैसे चलता? देखो दया, ये किसी साधारण छुरेबाज का काम नहीं, ये किसी एक्सपर्ट का काम है। एक्सपर्ट? ऐसे? हाँ ऐसे। तो इस मामले में तो हमारी मदद एक आदमी कर सकता है, सज्जू। सज्जू? कौन सज्जू? सज्जू बहुत बड़ा छुरेबाज है, एक मर्डर के केस में से जेल भेज दिया गया था, यही बता सकता है कि शहर में उसके अलावा और कौन छुरेबाज है। पता करो इस वक्त कौन से जेल में है, और उसे बाहर लाने का बंदोबस्त करो अभी। री ऑडियंस में चलते शो में मनोहर का खून हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये खूनी आया कहां से और कहां से निकल गया। हाँ सर, यहां से तो कुछ मिला भी नहीं, जिस हथियार से खून हुआ वो भी नहीं मिला। वही तो अजीब बात है, यहां मनोहर बैठा था, स्टेज से किसी ने सामने से उस पर मार किया, और वो हथियार भी गायब है और खूनी भी गायब है। श्रेया, सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कोई यहां से आया गया है क्या। सर, वंश, इन सबको जरा लाइन में खड़ा करो, सबकी तलाशी लेते हैं। एक्सक्यूज मी। जी मैम। अभी जो शो चल रहा था उसका फुटेज दिखाइए प्लीज। मैम ऑडिटोरियम के अंदर की फुटेज आप शायद नहीं देख पाएंगे क्योंकि शो के दौरान लाइट बंद होती है। कोई बात नहीं, हमें फिर भी सारी फुटेज देखनी है, कौन अंदर आया कौन बाहर गया सब कुछ। ओके मैम। सर, हमें जो पता था हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, अब हमें क्यों रोके रखा है? हमें भी घर जाना है। एक मिनट, देखिए आप सबकी तलाशी ली जाएगी, उसके बाद जिसको जहाँ जाना जा सकता है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए प्लीज। तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत थकावट हो रही है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। सर प्लीज, मैं घर जाना चाहती हूँ। सर इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है, इनको घर छोड़ दो। सर मेरी गाड़ी पार्किंग लॉट में है, मैं चली जाऊंगी।
थैंक यू सो मच। पार्किंग लॉट तक छोड़ दो। यस सर। आइए। आराम। कमाल है, कोई अपनी जगह से उठा भी नहीं है। एक मिनट रिवाइंड कीजिए। सर, इनमें से तो किसी के पास कुछ भी नहीं मिला। कमाल है, हथियार गया कहाँ? ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आश्रया। सर, एक औरत अपनी जगह से उठी थी। क्या? 5-10 मिनट बाद वापस लौटी और अपनी जगह पे फिर से बैठ गई। कौन थी वो औरत? रीटा। माय गॉड, वो अभी भी पार्किंग लॉट में होगी, उसको पकड़ो जल्दी। ये रीटा बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। ठीक है आप? ध्यान से, हाँ, सामने देखिए, आराम से चलिए, आराम से। थैंक यू सो मच। एक काम करिए, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ और आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। ठीक है। यस सर। शेवंती, रीटा को रोको जल्दी। ए! रुक, बाहर निकल। क्या हुआ? निकल बाहर। क्या हो रहा है? क्या बदतमीजी आप मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे? मनोहर का खून करके भाग रही हो? 7:50 को ऑडिटोरियम से बाहर निकली थी तुम, अपनी जगह किसी भाड़े के टट्टू को बिठाया, मनोहर का खून करवाया और 5-10 मिनट के बाद वापस वहाँ पहुँच गई। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं गई थी। आपके ऑडिटोरियम में हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कौन आया कौन गया सब कुछ, फिर भी झूठ बोल रही हो तुम। मैं थिएटर के बाहर गई थी। क्यों, क्यों गई थी? क्योंकि मेरी गन नहीं चल रही थी। गन? थोड़े से तो इससे मनोहर का खून हुआ है। मैंने मनोहर को नहीं मारा और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं उसे नहीं मार सकी। मैं मनोहर के साथ यहाँ पे इसीलिए आई थी कि मैं उसे मार सकूं, लेकिन जब मैंने गन निकाली तो वो चल नहीं रही थी। उसी को चेक करने के लिए मैं बाहर आई थी, समय निकल रहा था इसलिए मैं वापस चली आई। क्यों मारना चाहती थी मनोहर को? उसने अमर को मारा था, मैं उसका बदला लेना चाहती थी। अमर के खून का बदला? अमर मेरा बहुत ही स्पेशल दोस्त था, हम एक दूसरे को चाहते थे, हम दोनों बहुत करीब आ चुके थे। शायद इसी के बारे में मनोहर को भनक पड़ गई थी और जब अमर का अचानक खून हुआ तो मैं समझ गई थी कि मनोहर ने अमर को मारा है। अरे मनोहर जैसे घटिया इंसान से तो मैंने पैसे के लिए शादी की थी, लेकिन मेरा दिल सिर्फ अमर को चाहता था, लेकिन अमर मुझसे ज्यादा रंगमंच को चाहने लगा था। लेकिन तो मनोहर को तो कहीं भी मार सकती थी, यहाँ थिएटर में क्यों मारने आई थी इतनी भीड़ भाड़ में? ये क्या करती, मनोहर मुझे जबरदस्ती यहाँ पे ले आया था, कह रहा था कि राणा का 100वां शो है, मेरी कोई स्पेशल एंट्री होगी, मुझे सम्मानित किया जाएगा वगैरह वगैरह। मुझे लगा यही सबसे अच्छा मौका है, अंधेरे में मैं उसे मार दूंगी
अब भीड़ में निकलूंगी। मनोहर की स्पेशल एंट्री, ये क्या है? मुझे नहीं पता, यशवंत ने मनोहर को इस स्पेशल एंट्री के बारे में बताया था। मनोहर सुबह आया भी था इस स्पेशल एंट्री की रिहर्सल के लिए। सर फिर तो इस स्पेशल एंट्री के बारे में यशवंत से ही पूछते। जब तक असली खूनी नहीं मिल जाता तुम हमारी कस्टडी में रहोगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब ले चलो इसे। सलाम साहब। साहब आप तो वैसे वैसे एकदम फिट लग रहे हैं। हाँ मेरा सच उगलवाने का स्टाइल भी वैसे का वैसा ही है। क्या साहब आपका थप्पड़ और दरवाजा कैसे भूल सकता हूँ साहब। पर साहब अभी तो अपन आपका मेहमान है, कुछ खातिरदारी तो बनती है ना साहब। बकवास बनकर और ये बता कि तू किसी छुरीबाज को जानता है जो इस शहर का हो और जिसने पहले कभी तेरे साथ काम किया हो। साहब गला सूख रहा है, थोड़ा पानी मिलेगा? बता आप जानकर क्या करोगे साहब? मतलब तुझे पता है? हाँ पता है, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा। तो सीआईडी के सामने शर्त रखेगा? साहब पहली बार सीआईडी के काम आऊंगा, वो शर्त तो बनता है ना साहब। बोल। मेरी सजा माफ करवा दो साहब, फिर मैं आपको इस शहर के एक से एक हर एक छुरेबाज का पता बता दूंगा। सज्जू अगर तेरी बात सच निकली ना तो इसके बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। ठीक है साहब बताता हूँ। एक छुरेबाज है जो बड़े मैदान वाले सर्कस में काम करता था, बहुत ही मस्त छुरेबाज है साहब। कहाँ मिलेगा? अब कहाँ मिलेगा ये मुझे पता नहीं, ये आपको बड़े मैदान में जाके पता करना पड़ेगा। हम कुछ पता करने वाले नहीं, पता करेगा तू। ले फोन घुमा जल्दी, स्पीकर पे लगा। हेलो हेलो काका, मैं सज्जू। अरे सज्जू कैसा है तू? तेरी सजा पूरी हो गई? नहीं काका, अब लगता है जल्दी पूरी हो जाएगी। काका वो राजू छुरेबाज अपने सर्कस में काम करता था ना, क्या अब भी वो सर्कस में काम करता है? अरे नहीं बेटा, सर्कस तो कब का बंद हो चुका है, अब तो उसकी जगह यहाँ मैदान में बच्चे खेलते हैं। और राजू का भी कोई पता नहीं। तुमने तो राजू को देखा है ना, दिखता कैसे वो? ये आदमी, ये तो बड़ी। अभिजीत को फोन लगा, पता करो कहाँ है वो। यस सर। क्यों साहब आपका काम तो हो गया है ना साहब, अब मेरा काम कर दीजिए ना। साहब यूं हंस क्यों रहे हैं साहब? सज्जू एक बात हमेशा याद रखना, सीआईडी और चोर का रिश्ता हमेशा एक तरफा होता है, जहां पे सिर्फ चोर सच बोलता है। दो दो खून करके सजा माफ करने की बात कर रहा, तू दिमाग खराब है तेरा? ले जाओ सर। सर अभिजीत सर का फोन नहीं लग रहा है, किसी का भी फोन नहीं लग रहा सर। हमें थिएटर में अभी जाना होगा। कैसे हैं यशवंत जी आप? अरे सर आप यहाँ? जी हाँ, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। सर मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता, आप बस इस केस का हल निकलवाइए और ये थिएटर फिर से खुलवाइए। हल तो तभी निकलेगा यशवंत जी जब आप हमें स्पेशल एंट्री के बारे में बताएं। स्पेशल एंट्री? वो क्या है सर? वही जो आपने मनोहर से कहा था कि आप उसे किसी स्पेशल तरीके से एंट्री करवाएं। क्या है वो स्पेशल एंट्री? सर अब आप कैसे जानते हैं इस स्पेशल एंट्री के बारे में? देखिए हमें तो बहुत कुछ पता है, बेहतर होगा आप अपने आप बता दो वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो वो बस मतलब इतना बताया गया था कि जो कुछ भी तुमसे कहा गया ना सब कुछ सच सच बताओ, समझे? सर वो मुझे बताया गया था कि नाटक खत्म होने के 10 मिनट पहले सचिन संभालो से श्रेया वंश
खुला है, वंश इधर रुकना। सर ये इतने सारे कचरे के डब्बे, वही मैं भी सोच रहा हूँ, हटना जरा। ये दरवाजा, अंदर चल के देखते हैं। भी चाकू से वार किया और मनोहर को भी चाकू से ही मारा था, लेकिन मनोहर उस वक्त यहां बैठा था इस कुर्सी पे। चाकू उधर से है, लेकिन इसे चाकू इस तरफ से मारा उसने। ये ऐसा तो नहीं कि खूनी अभी दो है, हो सकता है खूनी अभी भी आसपास हो। अलर्ट है ना, मैं उस तरफ देखता हूं। सर ये क्या है? एक मिनट सर, जयवंती अभिजीत सर, आप लोग यहाँ पे? अरे ये चक्कर है क्या? सर, सर, सचिन सर। ये बताओ, ये चक्कर है। माय गॉड, सर ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है सचिन, बहुत प्लानिंग के साथ किया गया ये सब। कोनी बहुत चालाक है सर। मतलब इसके ऊपर ऑडिटोरियम, कौन सी सीट पे बैठी थी तुम? फ्रंट रो की फोर्थ सीट पे, वहीं जहाँ पे मनोहर बैठा हुआ था। अच्छा, तो ये बेसमेंट का कमरा खास मनोहर को मारने के लिए बनाया गया है। तो इसका मतलब शो के दौरान किसी ने ये नॉब घुमाया और मनोहर को सीट से नीचे ले गया है। करेक्ट, जैसे जयवंती नीचे आई और उसके बाद मनोहर का खून किया और फिर नॉब घुमाया और सीट के साथ मनोहर को ऊपर पहुंचा दी। तो ये थी मनोहर की स्पेशल एंट्री। ठीक कहा अभिजीत, तो आखिर तुमने ये कमरा ढूंढ ही लिया, मगर अफसोस तुम लोग यहां से बच के नहीं जा सकते। श्रेया सर, वो देखो स्टेज पे। यशवंत है, मर चुका है सर। किसने मारा? सर किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, कहीं उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, इस स्टेज पे हर लोग मर क्यों रहे? चल देखो आसपास, देखो ये क्या? बहुत आदत है ना तुम लोगों को दूसरों के काम में टांग अड़ाने की, लेकिन अब अड़ा नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोग यहां से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। सर ये किसकी आवाज है? नीचे चल के देखना होगा। यहां से चलते? नहीं दिव्या, लाश के पास रहो, ये और रास्ता ढूंढना होगा। चलो
मानना पड़ेगा भाई, क्या दिमाग पाया यार तुमने। वाह, मनोहर को मारने के लिए क्या क्या तैयारी की थी तुम। आखिर मेरा ये तेज दिमाग काम आ ही गया। इस सीट का ऊपर से नीचे आना, ये नोक, ये सब मेरे दिमाग की ही उपज थी। अरे लेकिन मनोहर ने बिगाड़ा क्या था, मारना क्यों चाहते थे उसको तुम। सिर्फ पैसों की खातिर इस थिएटर को बर्बाद कर रहा था। रोज मुझे धमकी देता कि राणा हवा में मत उड़, किसी और को स्टार बना दूंगा। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि मैं उसे मारकर इस थिएटर पर कब्जा कर दूंगा और एक सच्चे कलाकार की तरह इसे आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मनोहर स्पेशल एंट्री के लिए मान कैसे गया। क्योंकि मैंने उसे कह दिया था कि मनोहर ये 100वां शो है, तो कुछ भी करके उसे एक खास एंट्री करनी होगी। मैंने उसे ये सीट भी दिखाई, मैंने उसे कहा कि इसी कमरे से हम उसे स्टेज पर ले जाएंगे। मैंने उसे ये भी कहा कि उसकी ये खास एंट्री देखकर लोग पागल हो जाएंगे, थिएटर में तालियां गूंजेंगी। वो मान गया और नाटक खत्म होने के 10 मिनट पहले जब यशवंत ने नॉब घुमाया और जैसे मनोहर नीचे आया, नत्थु ने खंजर फेंका और यशवंत ने दोबारा मनोहर को ऊपर पहुंचा दिया। से नत्थु बनकर यहाँ अपना हुनर दिखाने चला है तू? सर्कस में काम करने का बहुत शौक है ना, अब तुम दोनों को एक अनोखे सर्कस में भेजेंगे, जेल में। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।